तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.10 अपडेट के बारे में कि क्या C.10 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस अपडेट का कॉन्फर्म डेट क्या है एंड C.10 के अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलने वाला है एंड आप लोगों को ये अपडेट का फाइल साइज कितना देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस अगर आप भी हैं Realme C3 डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करना बिकॉज में आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट तो हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि Realme C3 डिवाइस में ना जो C.09 का जो अपडेट देखने के लिए मिला था वो गाइस आप लोगों को ना जनवरी 2022 में देखने के लिए मिल गया था। जिस अपडेट में ना आप लोगों को जो चेंज लॉग देखने के लिए मिला था वो गाइस आप लोगों को नॉर्मल सा चेंजेस देखने के लिए मिला था, जो कि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब एक नॉर्मल सा ना सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है तो उस अपडेट में नॉर्मल सा ही आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लोगों को Realme C3 डिवाइस में C.09 के अपडेट में देखने के लिए मिल गया था। एंड गाइस ये अपडेट का फाइल साइज ना आप लोगों को 710 MB देखने के लिए मिला था। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.10 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस अपडेट का कॉन्फर्म डेट क्या है, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि Realme C3 डिवाइस में C.10 के अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ नई फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है ना तो उस अपडेट में कोई भी मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। गाइस आप लोगों को उस अपडेट में ना आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे बग एंड इशू होते हैं उन्हें यहां पे फिक्स करने के बाद आपके फोन के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। इसी के साथ में आपके डिवाइस के जो सिक्योरिटी पैच होते हैं ना उन्हें यहाँ पे इनहेंस कर दिया जाता है। तो गाइस ये काफी अच्छा बात होता है कि आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को इनहेंस कर दिया जाता है। एंड गाइस अगर बात करें ये अपडेट का आप लोगों को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिलने वाला है तो गाइस यहाँ पे ना 500 MB के अंदर में ही फाइल साइज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यार मेजर चेंजेस होंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट है। तो आपके डिवाइस में जो भी बग होंगे उन्हें यहाँ पे फिक्स किया जाएगा इस अपडेट के थ्रू। एंड गाइस आपके के सिक्योरिटी पैच को इनहेंस किया जाएगा, तो बस इसी वजह से ना आपके जो फाइल साइज देखने के लिए मिलने वाला है ना ये अपडेट का, तो फाइल साइज कुछ ज्यादा लंबा देखने के लिए नहीं मिलेगा, अंडर 500 MB का ही फाइल साइज आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस अब हम फाइनली बात करते हैं कि Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.10 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस अपडेट का कन्फर्म डेट क्या है। तो गाइस आप लोगों को बता दें कि जब एक नॉर्मल सा अपडेट देखने के लिए मिलता है ना सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का, तो गाइस उस अपडेट का कोई भी कंफर्म डेट नहीं होता है। अपडेट जिस महीना में मिलना होता है उस महीने में मिलता है। अगर बात करें कि उस महीने के कौन से डेट को मिलेगा तो ये कोई कंफर्म नहीं होता है, लेकिन जिस महीना में मिलना होता है उस महीना में आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो बस यहाँ पे ना Realme C3 डिवाइस में जो C.09 का जो अपडेट देखने के लिए मिला था वो जनवरी 2022 में देखने के लिए मिला था। उसके बाद गाइस आप लोग को फरवरी में कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। तो गाइस यहाँ पे ना मार्च 2022 में Realme C3 डिवाइस में C.10 वर्जन के साथ में ना आप लोग को एक न्यू सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। गाइस यहाँ पे जो Realme C3 डिवाइस में जो सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना वो गाइस यहाँ पे बाई मंथली अपडेट देखने के लिए मिलता है। सो Realme C3 डिवाइस में जनवरी में अपडेट देखने के लिए मिला, फिर फरवरी में नहीं मिला, तो अब मार्च 2022 में अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है C.10 वर्जन के साथ में। तो अगर बात करें कि मार्च महीने में कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो गाइस आप लोगों को ना हो सकता है कि मिड मार्च तक ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस इसी वजह से आप अलर्ट रहना, अलर्ट रह के ना आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना वो अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। एंड पहली बार जो अपडेट देखने के लिए मिलता है वो 5-10% यूजर्स को ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइस अपडेट को स्टे कर दिया जाता है एंड अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होता है। लेकिन अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है एंड गाइस अपडेट उसमें से भी अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसी वजह से आप अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। वैसे गाइस आप अलर्ट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि Realme C3 डिवाइस के लिए C.10 का अपडेट जब भी देखने के लिए मिलेगा तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ना जरूर मेंशन करना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।